मैं वादा करता हूँ जिस दिन आपका पूर्णिया में एयरपोर्ट स्टार्ट हो जाएगा, मैं अमिताभ बच्चन जी को लाऊंगा। मेरा एक सपना है 3,000 लोग इन्वॉल्व हैं हर विधा में, जितना भी है, इतने लोगों को जोड़ना, इतना बड़ा मंच देना, इतने लोगों को इकट्ठा करना, इसमें बहुत बड़ा एफर्ट्स लगा है। जहाँ ज़मीन अवेलेबल हो जाए हम बहुत बड़ा स्टेडियम बनाएंगे, ये मेरा एक सपना है। और पूरे भारत के लोग उस स्टेडियम में खेलने आप आएंगे। घर घर भी वो खरीद सकते हैं, घर खरीदारी कर सकते हैं, लोन भी ले सकते हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर भी परचेज कर सकते हैं। निर्माण के क्षेत्र में पुनर्मा ग्रुप का अपना पहचान है, साथ ही साथ पुनर्मा ग्रुप अब सांस्कृतिक क्षेत्रों में, कला के क्षेत्रों में और स्पोर्ट्स के क्षेत्रों में भी बहुत बड़ी पहचान बना चुका है। और आज हमारे साथ उसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए पुनर्मा ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर संजीव मिश्रा जी मौजूद हैं। हम उनसे बातें करेंगे कि पुनर्मा ने इतनी तरक्की कैसे की, इस मर्तबा इनका जो प्रोजेक्ट है वो क्या क्या है और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में क्या उपलब्धि हासिल हुई है। सर, सबसे पहले हमारे दर्शकों के बीच आपका स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया सर। सर, थोड़ा जानना चाह रहे हैं आपसे कि पुनर्मा ग्रुप ने एक अपनी पहचान बना ली है, अब पूर्णिया की पहचान एक पुनर्मा ग्रुप से भी लोग देख रहे हैं राष्ट्रीय लेवल पे, राज्य स्तर पे, तो एक जिम्मेदारी भी आपकी सर बहुत बड़ी बन गई है। सर, ये बताया जाए कि इस बार आप लोगों ने क्या क्या हमारे दर्शकों के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, पूरे देशवासियों के लिए कुछ किया है। देखिए, इस बार जो हमारा कार्यक्रम है और पिछले 6 साल से हम लोग कर रहे हैं, हम लोगों ने छोटे लेवल पे इसको स्टार्ट किया था, मतलब जो पूर्णिया के लोग थे उन्होंने उनसे स्टार्ट किया था, और धीरे 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 इसकी खुशबू फैलती गई, लोग जुड़ते गए और एक बहुत बड़ा कारवा बन चुका है। आप देखे होंगे कल दिल्ली की टीम खेलने के लिए आई थी, आज नेपाल की टीम खेलने के लिए आया है। सिर्फ क्रिकेट भी नहीं बल्कि वॉलीबॉल है, बैडमिंटन है, टेनिस है, चेस है, सिंगिंग है, डांसिंग है, ड्राइंग है, छोटे छोटे बच्चे का रैंप शो है। तो ये जो कला है, ये जो संस्कृति हम लोग का कल्चर है, धीरे 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 लोग इन चीज़ों में ख़त्म होते जा रहा था। तो हमने क्या किया, एक बच्चों को प्लेटफॉर्म दिया, और जब बच्चे बड़े मंच पे जाते हैं उनको एक हौसला अफजाई होता है और उनको कुछ करने का जज्बा भी होता है कि नहीं, हम कुछ कर सकते हैं, हमारे अंदर पोटेंशियल है। क्योंकि हमारे क्षेत्र में बहुत ऐसे बच्चे हैं जो मंच नहीं मिलने की वजह से उनको एक हेजिटेशन होता था, या बड़े कलाकार के सामने परफॉर्म करने का मौका नहीं मिलता था। तो वो चीज़ हमने पूर्णिया में स्टार्ट किया है, उसमें हम लोगों को अपार सफलता मिली है। और आने वाले ये 23 तारीख, 24 तारीख, 24, 25, 26 नवंबर को बहुत बड़ा कार्यक्रम भी है। जो भी दर्शक देख रहे हैं उनसे मैं आग्रह करूँगा कि 24 नवंबर, 25 नवंबर और 26 नवंबर खास करके हम लोगों का बहुत एक बेहतर होने वाला है। जो 26 नवंबर का शाम होगा हमारे लिए बहुत खास होगा, उसमें अनुराधा पौडवाल जी आ रही हैं, उनको देश विदेश में ख्याति प्राप्त है, वो बहुत बड़े लेवल की सिंगर हैं। और जो आपकी भाभी जी घर पे हैं, हर घर में सीरियल देखने के लिए मिलता है, उनकी जो शिल्पा संध्या है वो भी आ रही है, और भी बहुत ऐसे कलाकार हैं, सबरी ब्रदर्स है जो हम लोग को 24-25 तारीख को आ रहे हैं। 24 तारीख को एक बहुत बड़ा सीमांचल मीट होने वाला है, तो बहुत कार्यक्रम लगातार 24, 25 और 26 नवंबर को हमारे यहाँ ई होम्स में है। तो ये 3 दिनों तक तो लगातार आपका प्रोग्राम चलेगा, इसका ये टाइमिंग क्या रहेगा सर, और कैसे लोग आएंगे, क्या इसके? देखिए, जो बच्चे पार्टिसिपेट किए हो तो 11 बजे आ जाएंगे, लेकिन जो भी कार्यक्रम है, हाँ, इस पर हम लोग का कंज्यूमर एक्सपो भी हो रहा है, रिटेल्स के लोग भी आ रहे हैं, एक्सपो भी है, लोन मेला भी है, कई चीज़ें हैं। मतलब एक जगह जाएंगे तो आप घर भी खरीद सकते हैं, घर खरीदारी कर सकते हैं, लोन भी ले सकते हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर भी परचेज़ कर सकते हैं। मतलब एक ही जगह में, एक ही कैंपस में ढेर सारा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, और इंटरटेनमेंट का भी साधन है। शाम में डेली हम लोगों का कार्यक्रम है, दिन भर तो चलेगा, हमारा एक्सपो चलेगा वहाँ, बहुत बड़ा एक्सपो लग रहा है, और शाम में डेली हम लोग का कल्चरल प्रोग्राम है 24 नवंबर को, 25 नवंबर को और 26 नवंबर को। यानी कि 3 दिन लोग जो भी आएंगे तो एक तरह से इंटरटेन करेंगे, बिजी रहेंगे सारे, फैमिली के साथ लोग आ सकते हैं। फैमिली के साथ आएंगे, शॉपिंग भी होगा, घर भी खरीदारी करेंगे, लोन भी ले सकते हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर भी खरीद सकते हैं, कंज्यूमर मेला भी है, फर्नीचर मार्केट भी लग रहा है। तो इस तरह का हमने एक्सपो का भी उसमें प्रोविजन रखा है कि लोग अपना इंटरटेनमेंट के साथ साथ अपना खरीदारी भी कर सकते हैं। अच्छा, जो खरीदारी नहीं भी कर सकते हैं अगर वो भी आते हैं तो कम से कम उनको लगेगा कि अच्छी जगह से घूम करके आए। हाँ, ऑब्वियस है, एक्सपो तो घूमने का भी चीज़ है, देखने का है, समझने का है, और बहुत लोग जो व्यापारी हैं वो भी आएंगे, कुछ ना कुछ उनको सीखने के लिए ही मिलेगा। तो एक्सपो तो ऐसे भी हम लोग दिल्ली मुंबई जाते हैं एक्सपो में घूमने के लिए, कुछ ना कुछ अडॉप्ट करके हम लोग आते हैं, तो एक्सपो में आना चाहिए। तो मैं आपके माध्यम से जितने भी दर्शक हैं उनसे अपील करूँगा, 24 नवंबर, 25 नवंबर,
26 नंबर को आप जरूर ई होम्स में आए। सर ऐसा भी कहा जाता है कि बहुत चीज़ें ऐसी हैं कि जो कि सभी जगह अवेलेबल नहीं होता है, लेकिन एक्सपो में कुछ अनोखी चीज़ें भी अवेलेबल होती हैं, ये बात भी सही है क्या? बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक है। बहुत ऐसा है मार्केट में आपको ढूंढना पड़ता है, लेकिन वहाँ एक्सपो है, आप छोटा सा जगह में घूम घूम करके आप चीज़ों को देख सकते हैं, तलाश सकते हैं। एक्सपो में हमेशा नया कुछ ना कुछ आता है जो कि मार्केट में नहीं रहता या अपकमिंग है। जैसे बहुत ऐसे देखेंगे आप वहाँ एक्सपो में कि बहुत ऐसा चीज़ है जो बाज़ार में अभी नहीं आया, लेकिन आपको वहाँ देखने के लिए मिलेगा। तो ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है कि आप जिन चीज़ों को बहुत दिन से ढूंढ रहे थे, आपकी नज़र में नहीं आ रही थी, वो चीज़ें भी आपको वहाँ हो सकता है कि मिल जाएँ। सर आपने एक बहुत बड़ी बात बताई कि नेपाल से खिलाड़ी यहाँ आ रहे हैं, आए हुए हैं। जानकारी ये मिली कि जो धीरे धीरे आपका स्पोर्ट्स का जो सिलसिला है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बार जो कारवां बना है उसमें नेपाल के लड़के हैं और बिहार से बाहर के भी हैं, तो टोटल कितने हैं सर अभी? मैं इस पर रोकूंगा कि हमारा कार्यक्रम नहीं है, ये पूरे पूर्णिया का कार्यक्रम है। आपने बोला कि आपका कार्यक्रम, तो मेरा संजीव मिश्रा कार्यक्रम नहीं है, ये कार्यक्रम हमारे पूर्णिया के लिए। चूँकि दिल्ली से जो टीम आए नेपाल से, तो बोला मैं इंडिया खेलने जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ? तो पूर्णिया जा रहा हूँ, सीमांचल जा रहा हूँ। तो आपका ये कार्यक्रम है, आपके पूर्णिया वाले का, आपके कोसी सीमांचल वाले का कार्यक्रम है। वो यदि दिल्ली से टीम आई है, नेपाल से टीम है, या और जगह से स्टेट से टीम आ रहे हैं, तो वो संजीव मिश्रा बोल के नहीं आ रहे हैं, मैं पूर्णिया खेलने जा रहा हूँ। तो ये पूर्णिया के लिए गर्व का पल है। और मैं आपको बता दूँ जानकारी के लिए, 3000 लोगों से ज़्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया है इस बार, 3000। ये बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। 3000 लोग इन्वॉल्व हैं हर विधा में, जितना भी है। इतने लोगों को जोड़ना, इतना बड़ा मंच देना, इतने लोगों को इकट्ठा करना, इसमें बहुत बड़ा एफर्ट्स लगा है और पूर्णिया के सभी लोगों ने मिल के किया है, अकेले संजय मिश्रा ने नहीं किया है। ये सर आपका बड़प्पन है कि आपका इसका श्रेय पूरा पूर्णिया वासियों को देते हैं। निश्चित रूपेण देना भी चाहिए, क्योंकि सभी का सहयोग इसमें निश्चित रूपेण कहीं ना कहीं है। लेकिन एक बड़ी बात ये है कि आप जो जिस तरह से आपने अभी बताया कि अब दिल्ली से लोग पूर्णिया आएंगे और पूर्णिया के बारे में चर्चा करेंगे और यहाँ पनोरमा को देखेंगे और फिर यहाँ से पूर्णिया के बारे में कुछ यादें लेकर के जाएंगे, तो निश्चित रूप से पूर्णिया की जो छवि है राष्ट्रीय लेवल पे, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, वो जो पहचान है वो उसमें इजाफा होगा। अभी मैं बताऊँ, आपको अच्छा लगेगा सुन करके। देखिए, इसमें आपका भी सहयोग है, आप भी, आपका भी चैनल देखते हैं, लोग लाइव देख रहे हैं। मेरे पेज से, आपका पेज से, और भी कई से चैनल हैं जिनके पेज से दिल्ली का कोच, जो द्वारका में अभी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खुला है दिल्ली में, वहाँ के कोच जो बच्चे को पढ़ा रहे थे, इसमें बहुत ऐसे बच्चे जो बड़े बड़े लोग हैं, उनका बेटा है, उनका पोता है, वो लोग आए, तो वहाँ लाइव देख करके आपके चैनल पे हमको वहाँ से फ़ोन करते हैं और बच्चे को बोलते हैं कि नहीं ऐसा तुम कर सकता था, ऐसा क्यों नहीं किया। दिल्ली बैठ करके लोग, यहाँ इंडिया से बाहर बैठ करके लोग यहाँ इस मैच को देख रहे हैं और लोग काफ़ी अप्रिसिएट कर रहे हैं। इसमें बोल रहे हैं कि मेरा है, आप जो आपका चैनल है यार, और भी लोग हैं, सहयोगी हरिओम जी हैं, या बहुत ऐसे लोग हैं इन्वॉल्व हैं उसमें, कुंदन है, जो पूरी टीम है, पूरी टीम है, ये अकेला का काम नहीं है। अकेला संजय मिश्रा कुछ नहीं कर सकता था, ये सबके सहयोग से ही हो रहा है और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारी कोसी सीमांचल और पूर्णिया के लिए। खास करके पूर्णिया वाले को मैं बधाई दूंगा, धन्यवाद दूंगा कि आपके यहाँ ये आयोजन हो रहा है, जिसमें हमारी एक छोटी सी भूमिका है, बहुत बड़ी भूमिका नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि पूरे भारत में आपके पूर्णिया स्पोर्ट्स, पनोरमा स्पोर्ट्स का नाम होगा, बस हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे। सर आपकी अगुवाई में पूरा सीमांचल काम करने को तैयार है, पूरा पूर्णिया के लोग तैयार है, पूरी टीम मजबूती के साथ खड़ी है, सर आगे क्या इरादा है आपका? देखिए, आगे इरादा तो है कि मेरे पास अब इतना संसाधन नहीं है, इतने बड़े आदमी नहीं हैं हम, चूँकि हमारा बिजनेस बड़ा है, लेकिन हम आदमी बड़े नहीं हैं। हमारा नेटवर्क जो भी है कंपनी के पास है, मेरे पास इंडिविजुअल कुछ नहीं है। लेकिन हमारी ये कोशिश रहेगी, यदि कंपनी सब ठीक ठाक रहा तो CSR फंड से कंपनी पूर्णिया में या पूर्णिया से सटे एरिया में जहाँ ज़मीन अवेलेबल हो जाए, हम बहुत बड़ा स्टेडियम बनाएंगे। ये मेरा एक सपना है और पूरे भारत के लोग उस स्टेडियम में खेलने आएंगे। वो ऐसा स्टेडियम होगा, सिर्फ क्रिकेट ही नहीं होगा, उसमें आउटडोर गेम भी होगा, इंडोर गेम भी होगा। पहले मैंने बताया था कि मैं ऐसा, मेरा एक सपना है कि मैं बच्चों के लिए ऐसा मंच दूँ कि क्रिकेट से लेकर के, फुटबॉल से लेकर के गोल्फ तक खिलवाऊंगा, साथ ही सिंगिंग, डांसिंग, ड्राइंग, मतलब स्पोर्ट्स एंड आर्ट्स कल्चर मिक्स करके हम एक स्टेडियम बनाएंगे, उसमें गेस्ट हाउस भी बनाएंगे ताकि लोग आए, लोगों को भटकना नहीं पड़े और वहाँ गेम खेल करके पूर्णिया से एक अच्छा मैसेज लेके जाएं। सर आपने जो बातें कही, सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी इच्छा शक्ति काफ़ी मजबूत है और आपने काफ़ी मजबूती के साथ ये बातें कही हैं,
तो निश्चित रूप से हम लोग ये तो उम्मीद कर ही सकते हैं कि बहुत जल्द साकार भी हो जाएगा। बिल्कुल, चूंकि जिस हिसाब से आप लोगों का साथ मिल रहा है, सभी का साथ मिल रहा है, तो मुझे कहीं ना कहीं मोरल बूस्टअप मिलता है कि नहीं, इतना लोगों का साथ मिल रहा है तो हम क्यों नहीं कर सकते। यदि यही हमको अप्रिसिएशन नहीं मिलता, लोग क्रेडिट नहीं देते या लोग सपोर्ट नहीं करते, तो हम देखते कई दिन तक हम खेल के मैदान में नहीं जाते हैं, लेकिन सफाई अच्छी होती है। बाहर टीम प्लेयर्स, जितने भी प्लेयर्स होते हैं, उससे पूछता कोई रहने खाने में तकलीफ हुआ तो नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा व्यवस्था था। तो हमने तो सिर्फ एक संसाधन मुहैया कराया, बाकी व्यवस्था तो आप लोग कर रहे हैं। इसके लिए हम पूरे पूर्णिया में जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं पनोरमा स्पोर्ट्स में, उनको मैं बधाई और धन्यवाद देता हूँ। सर, बड़ी बात ये भी है कि जिस तरह से अभी आपने एक बात कही आपने कि मुंबई से बड़ी बड़ी हस्तियों को आप यहाँ ले आते हैं और यहाँ के जो बच्चे हैं उनके साथ परफॉर्मेंस करते हैं और उनको एक नया हौसला मिल जाता है कि चलो हम इनके साथ भी काम कर सकते हैं। जबकि कई मरतबा ऐसा देखा गया है कि लोग मुंबई जाते हैं और काफ़ी मशक्क़त करने के बावजूद भी मुलाकात नहीं हो पाती उस हस्ती से, लेकिन आप यहाँ इजीली करवा रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये भी बहुत बड़ा एक कहानी है। जब 2016 में हम लोगों ने फ़ोन किया था मुंबई, और सुनील जी, चूँकि हमारे यहाँ जो भी इवेंट होता है तो कोसी आलोक के जो डायरेक्टर हैं सुनील जी, उनका बहुत बड़ा योगदान होता है स्पोर्ट्स में। हरिओम जी का बहुत बड़ा योगदान होता है, चूँकि हमारे यहाँ हर काम को बटा हुआ है। संजीव मिश्रा को क्या करना है, सुनील सुमन जी को क्या करना है, हरिओम झा जी को क्या करना है, सबका काम बटा हुआ है। और आपको आश्चर्य लगेगा, किसी को कुछ बोलना नहीं पड़ता है, सब लोग अपना अपना काम को बहुत अच्छे तरीके से निभाते हैं। तो सुनील सुमन जी ने जब मुंबई फ़ोन किया था या और लोगों ने अप्रोच किया था, तो पूर्णिया के नाम से थोड़ा हेजिटेशन था आर्टिस्ट को आने में, लेकिन आज दिन है कि पूर्णिया वहाँ का, मुंबई का हर एक्टर एक्ट्रेस पूर्णिया में कार्यक्रम होता है ये जानकारी उनको है, और एक बार फ़ोन करते तो हम ही भर देते हैं। आने में उनको कहीं कुरेज नहीं होता, ना कोई उनको डर लगता है। पहले डर लगता था, लेकिन अब डर नहीं लगता है। ये पब्लिसिटी आपका मुंबई तक है, ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। अच्छा, मुंबई के लोग भी अब जानते हैं कि पुणे में प्रतिवर्ष प्रोग्राम होता है और मुंबई से एक कलाकार बच्चे, यहाँ के बच्चे बच्चियाँ भी वहाँ मुंबई जा रहे हैं। अब वो लोग जैसे चंकी पांडे जी आए थे, उनसे पहले जो राजपाल जी आए थे, उनसे पहले अजीत साहब आए थे, और भी लोग आए थे। मतलब हमको लग रहा है कि हर साल 2-3-4 कलाकार आता है, तो हर साल जो आते हैं वो लोग तो कहीं ना कहीं जाकर के अच्छा मैसेज देते हैं कि पूर्णिया में भी इतना बड़ा मंच। अच्छा, यानी कि अब यहाँ से कोई बच्चे अगर मुंबई जाते हैं और वो कहते हैं कि हम पूर्णिया से आए हैं, तो कोई ये नहीं पूछेगा कि पूर्णिया कहाँ है। बिल्कुल ठीक बात है आपका, बहुत अच्छा सवाल आपने किया कि यहाँ वहाँ जब जाएंगे पूर्णिया बोलेंगे, अब तो वहाँ पैनोरमा स्टार के बच्चे हैं ये बोलना शुरू कर देते हैं। चंकी पांडे जी के यहाँ भी, हमारे यहाँ कटिहार की लड़की गई थी मिलने के लिए कोई काम के सिलसिले में, तो जैसे उन्होंने पूर्णिया बोला तो बोले अच्छा पैनोरमा स्टार में तुम, बोले हाँ मैं उनकी विनर रही हूँ। तो उन्होंने बहुत सम्मान दिया और उनका जो काम था उन्होंने किया, तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। ये सिर्फ आप ही के लिए नहीं, पूरा पूर्णिया के लिए एक बहुत बड़ी बात है। जो लोग पैनोरमा ग्रुप से जुड़े हुए नहीं भी हैं, अगर वो भी जाकर वहाँ बोलते हैं कि हम पूर्णिया से हैं, तो उनको वही रिस्पेक्ट मिलेगा। जी बिल्कुल, बहुत बड़ा अचीवमेंट है, अपने आप में बड़ी बात है। और निश्चित रूप से इस बार आपने बताया क्या कि बहुत बड़ी सिंगर है जो कि अनुराधा पौडवाल जी, इस बार हम लोगों का कार्यक्रम भी बहुत बड़ा है। तो मैं आपके माध्यम से दर्शक से अपील करूंगा, 24-25-26 डेट सेव कर ले मोबाइल में, उसमें आना ना भूलें। और भी ऐसे कलाकार हैं जिनका नाम नहीं बोल रहा हूं मैं, सरप्राइज है, आप जरूर आइए, आपका वेलकम। अच्छा सर, नेक्स्ट आने वाले दिनों में आपका और क्या क्या इरादा है कि मुंबई से और कौन किन किन कलाकारों को लाना है पूर्णिया? देखिए, हम तो जुबिन नोटियाल जी से भी बात करना चाह रहे थे, लेकिन किसी कारणवश मेरी इच्छा है कि मैं अमिताभ बच्चन को लाऊं अपने यहाँ, ये मेरी इच्छा है। जी। मैं 2 साल से प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन किसी न किसी डेट में वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहते हैं, नहीं आ पाते हैं, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, चार्टर प्लेन करना है, और भी कई ऐसी व्यवस्था है जिसकी वजह से, चूँकि जब यहाँ पूर्णिया में हमारा एयरपोर्ट हो जाएगा तो मैं अमिताभ बच्चन जी को ज़रूर लाऊँगा। अच्छा, ये भी बहुत बड़ी बात है कि एक्चुअली एयरपोर्ट पे आपने बहुत बड़ी बात कही कि एयरपोर्ट जब हो जाता है, एयरपोर्ट आएगा तभी वो आएंगे, ऐसे नहीं आ पाएंगे, क्योंकि उनका पहला टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि हम चार्टर प्लेन से आएंगे। तो चार्टर प्लेन से बागडोरा आकर के यहाँ सफ़र करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैं वादा करता हूँ जिस दिन आपका पूर्णिया में एयरपोर्ट स्टार्ट हो जाएगा, मैं अमिताभ बच्चन जी को लाऊँगा, मेरा एक सपना है। यानी कि पूर्णिया वासियों को एक एक जज्बा दिखाने की ज़रूरत है एयरपोर्ट को लेकर के भी। जी बिल्कुल, एयरपोर्ट हमको लग रहा है कि गवर्नमेंट तो इसमें काम कर रही है, चूँकि ये कुछ पेचीदा फंसा हुआ था स्टेट का सेंट्रल का, लेकिन वो भी सुलझता नज़र आ रहा है। तो हमको लग रहा है यदि 2024 में एयरपोर्ट ऑन हो जाएगा तो अमिताभ जी आपके पूर्णिया आएंगे।
अमिताभ जी आएंगे और साथ साथ उनके लेवल के और भी लोग आ सकते हैं, लोग आ सकते हैं और भी ला सकते हैं, और जैसे जैसे प्रोग्राम बढ़ता जाएगा और उस लेवल के लोग यहाँ आते जाएंगे तो निश्चित रूप से जब उस लेवल के लोग यहाँ आएंगे तो पूर्णिया का लेवल भी उठकर उस लेवल तक पहुंच जाएगा। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। सर लास्ट में हम आपसे जानना चाहेंगे कि हमारे पूर्णिया आसपास के इलाकों के लिए एक बहुत बड़ी क्षति मानी जा रही है, सहारा श्री का निधन। जी बिल्कुल। और ये आप क्या कहेंगे? है बहुत बड़ा क्षति है। पहले मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूँ, नमन करता हूँ, उनको याद करता हूँ, और मैं उनको एक बहुत बड़ा एसेट के रूप में मानता था, मानता हूँ और मानता रहूँगा कि एक छोटे से अररिया से गोरखपुर जाते हैं, छोटा सा व्यापार स्टार्ट करते हैं, बैंक लोन नहीं देता है, तो उनके जिद में, उनके जुनून में, उनकी वो ताकत था, उनके पास जज्बा था कि आज 2000 रुपया से 2,00,000 करोड़ का एसेट खड़ा किए, और ये हमारे लिए, हमारे बिहार के लिए, पूरे भारत के लिए बहुत बड़ी क्षति है। देखिए नेगेटिव पॉजिटिव हर जगह होता है, एडवांटेज डिसएडवांटेज होता है। किसी ने ये नहीं सोचा कि 2000 से 2,00,000 करोड़ का आदमी कैसे बन सकता है, कितना उन्होंने स्ट्रगल किया, कितना गवर्नमेंट को रेवेन्यू दिया, कितना लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया, ये पॉलिटिकल के शिकार हो गए। और 2012 में जो उन्होंने अपना दिखाया परिवार, सहारा परिवार, 1,21,000 कुछ लोग इकट्ठा हुए थे लखनऊ में, उस सभा को देखकर के लोगों ने भयभीत हो गया और 2013 में उनको जेल भेज दिया। ये बहुत बड़ा साजिश था, क्योंकि उनके पास इतना एसेट था, 10-12 हज़ार करोड़ रुपया बहुत बड़ा अमाउंट नहीं था उनके लिए, कुछ भी नहीं था, 10-12% अमाउंट था, वो भी ऑलरेडी डिपॉजिट था सेबी के पास, तो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स के शिकार होकर के उनकी कंपनी को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, जबकि जितना छोटा अमाउंट था उनके लिए वो बहुत इजीली पेमेंट कर सकते थे और किसी का पैसा मारने का उनका इंटेंशन भी नहीं था, और वो लोग को दे रहे थे, उसमें 60-70% लोगों को पैसा उन्होंने दे दिया था, लेकिन एन केन प्रकार उनको पॉलिटिक्स का, चाहे वो कॉरपोरेट इन्फ्लुएंस में हुआ हो, चाहे गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस में हुआ है, जैसे भी हुआ हो, उनको तबाह और बर्बाद कर दिया। लेकिन अभी तो सर जिन लोगों का भी पैसा उनके पास है सबको मिल रहा है, मिल रहा है, कहीं तो जो विश्वास है। मैंने आपको क्या बोला, आप ध्यान नहीं दिए। जी जी। उनका जितना एसेट था वो 12% भी लायबिलिटी नहीं थी, 12-15% लायबिलिटी थी, वो इजीली दे सकते थे और देना था। वो हर एक रिक्शा वाले को, सब्जी बेचने वाले को, हर एक लोगों को जोड़े हुए जी थे। जी, मैंने भी वही। धीरे 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 पूरे भारत में उन्होंने अपना पैर पसार लिया, तो ये डर सा हो गया था किसी कॉरपोरेट को। जी जी। जिसके वजह से उनको पॉलिटिक्स का शिकार होना पड़ा, और आज यदि वो आदमी होते तो आज कई लाख आदमी उस कंपनी में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता, उनका चूल्हा जलता, गवर्नमेंट को भी कई 1,000 करोड़ का फायदा होता, रेवेन्यू आता, टैक्स आता उनसे, लेकिन उस टाइम में गवर्नमेंट ने उनको मदद नहीं किया। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। सर सिर्फ गवर्नमेंट ने उनको मदद नहीं किया बल्कि उनसे जुड़े हुए जितने लोग थे सबको एक तरह से सड़क पे लाने का काम भी किया। कई लोग उनके जेल जाने के बाद सड़क पर आ गए, उनकी कंपनी पर उसका असर पड़ा, तो निश्चित रूप से किसी एक व्यक्ति को डैमेज करने के चक्कर में बहुत सारे लोगों का क्षति भी हुआ। उस टाइम में क्या हुआ, मीडिया लोगों ने भी अपना TRP बढ़ाने के लिए उनको डिफेम किया। होता क्या ना, एक आम आवाम के पास छोटी सी पूंजी होती है, उनको लगता है कि नहीं हम निवेश करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे, तो उनका बहुत बड़ा क्षति हुआ कि लोगों ने बदनाम कर दिया बहुत, जबकि ऐसी बात कोई थी नहीं। जब एक बार कंपनी गिरता है तो उठने में समय लग जाता है, तो उसी का शिकार हुए सहारा श्री। और अभी देखिए आज के डेट में कोई कस्टमर ये नहीं बोलेगा कि मेरा पैसा है, पैसा नहीं मिल रहा है, मिल रहा है, थोड़ा लेट होता है, सवेर होता है, मैनेजमेंट जब आपका ख़राब हो जाएगा तो दिक्कतें आएगी उस टाइम में, लेकिन गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए था, यदि एक्शन लेते तो आज सिनेरियो कुछ और होता। लेकिन सर एक जो बात आपने कही कि लाख लोगों को एक बात पे जमा कर लेना, गवर्नमेंट भीड़ से ही डरती है, गवर्नमेंट भीड़ से डरती है। देखिए इसमें बहुत टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, हम भी एक व्यापारी हैं, लेकिन उनके साथ जो भी हुआ था गलत हुआ था, वो इंटेंशन उनका ठीक था, गलत नहीं था, लोगों का पैसा, पब्लिक का पैसा मारने का इंटेंशन नहीं था। लेकिन जब आप वीक हो जाइएगा, मेंटल टॉर्चर हो जाइएगा, इतना स्ट्रगल करके 2000 के नोट से आप इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कीजिएगा, तो कहीं ना कहीं जब झटका लगेगा तो उनको सर्वाइव करने में टाइम लगता है, वो जिसको वो नहीं कर पाया। अभी अडानी का देख लीजिए, कुछ दिन पहले अडानी के साथ हुआ था कि एक रूमर क्रिएट कर दिया, अडानी डूब गया, अडानी डूब गया, अडानी डूब गया, तो लोगों ने क्या किया, उस टाइम में पैसा विड्रॉ करना पब्लिक शुरू कर देता है। अडानी के पास था स्कोप, उन्होंने दे दिया, आज अडानी बहुत अच्छा काम कर रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रूमर भी होता है, तो रूमर से हम लोगों को बचने की ज़रूरत है।
अच्छा, लोगों को भी थोड़ा समझने की ज़रूरत है। एक ही बार में कोई कुछ कह दिया तो उसी पे सुन करके कुछ एक्शन ले लेना, ये भी ठीक नहीं है। उसका कंपनी का नेटवर्क देखना चाहिए था, लायबिलिटी देखना चाहिए था। यदि आज मेरे पास 100 रुपये है और यदि मेरे पास 15 रुपये लायबिलिटी है तो हमको देने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन वो रूमर क्रिएट करके, लोगों को अफवाह फैला करके, डिमोटिवेट करके कंपनी को बदनाम करने का कोशिश करता है, जो कि नहीं करना चाहिए। सर, लास्ट में हमारे दर्शकों के लिए कुछ कहना चाहें तो? दर्शकों के लिए मैं यही 24, 25 और 26 नवंबर को मैं आप लोगों को निमंत्रण देता हूं, हकार देता हूं और आग्रह करता हूं कि आप लोग ज़रूर आइए। ये आपका कार्यक्रम है, सिर्फ ये मेरा कार्यक्रम नहीं है, आप कोसी सीमांचल मिथिलांचल का कार्यक्रम है। आप लोग ज़रूर आएँ और अच्छा लगेगा, बहुत बड़ा आगाज होने वाला है। थैंक यू सर, आपने कोसी आलोक को टाइम दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। संजीव मिश्रा जी पनोरमा ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और इन्होंने बहुत बड़ी बातें कही कि आने वाले दिनों में अमिताभ बच्चन जी को भी ये पूर्णिया लाएंगे, लेकिन इसके लिए अगर एयरपोर्ट पूर्णिया का बन जाता है तो उनको लाना काफ़ी सहूलियत होगी। जिस तरह से पनोरमा ग्रुप ने अपनी पहचान बनाई है, ये पूर्णिया के लिए, आसपास की जिलों के लिए, पूरे देश में गर्व की बात तो है ही। साथ ही साथ अब जो पूर्णिया के लोगों का समर्थन मिल रहा है और आसपास के लोगों का समर्थन मिल रहा है, तो निश्चित रूप से इनका जो सपना है, जो सोच कर इन्होंने रखा है, इसमें लोगों का समर्थन मिलता है तो पूर्णिया का जो झंडा है वो निश्चित रूप से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर लहराएगा, इसकी अलग पहचान बनेगी। कोसी आलोक के लिए सुमित के साथ मैं संजय कुमार।